हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSPCL LEC JEE 2019 के लिए मॉक सेट नंबर 10.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस GK के जनरल नॉलेज के। इससे पहले सीरीज के 9 सेट आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। PSPCL LEC JEE 2019 के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। पहले जो भी मॉक टेस्ट मैंने करवाए हैं, हर एक मॉक टेस्ट में मैं आपको ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय देता था, बट मैं आपको इस वीडियो में 5 सेकेंड का समय नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट मैंने देखे हैं। सभी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर, इन 5 सेकंड में हमारा जो समय है वो काफ़ी नष्ट होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको 5 सेकंड का समय नहीं दूंगा। जो 4 ऑप्शन होंगे बस वो रीड करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। अब आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम होता है क्वेश्चन फॉर यू। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक्स गेम्स, जो 2020 में ओलंपिक गेम्स होंगे टोक्यो में। पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए, टोक्यो में होंगे 2020 में जो ओलंपिक्स होंगे गेम्स 2020 में। टोक्यो है जापान में, जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, वहाँ पर होंगे जो ओलंपिक्स होंगे गेम्स 2020 में। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो कौन सा है दिए गए 4 ऑप्शन में से। जो ऑफिशियल मैस्कॉट चुना गया है उसका नाम है मिराई तोवा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मिराई तोवा है जो ऑफिशियल मैस्कॉट है 2020 के ओलंपिक्स गेम्स का। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मिराई तोवा। सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर यही बताया है, बट एक दो स्टूडेंट था जो बता रहा था सुरंग, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, मिराई तोवा। सो अब स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपनगर, रूपनगर है पंजाब में। रूपनगर एक इंडस वैली साइट है, सिविलाइजेशन की साइट है। इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने एग्जीक्यूट किया था, जो सतलुज नदी के किनारे है 1952-53 में एग्जीक्यूट किया था। आपके ऑप्शन है वाई डी शर्मा, MS वॉट्स, लास्ट ऑप्शन है MG मजूमदार और थर्ड ऑप्शन है दयाराम साहनी। जो रूपनगर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पंजाब में, इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था वाई डी शर्मा ने। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, वाई डी शर्मा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइट है पंजाब में, पंजाब में लोकेटेड है रूपनगर साइट। इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था वाई डी शर्मा ने। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए ये पंजाब में लोकेटेड है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे है, यानी कि कौन से रिवर के कंडे पर है। ये है सतलुज रिवर के कंडे पे। और आपको ये पता होना चाहिए कब डिस्कवर हुई थी, ये हुई थी 1952-53 में, 1952-53 में ये फाइंड की गई थी। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस साइट से, सो सारे के सारे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ द ऋग वैदिक पीपल, जो ऋग वैदिक टाइम के पीपल थे वो किसको अपना परमात्मा मानते थे, यानी कि परमात्मा की तरह पूजा करते थे, किस भगवान की। आपके जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, उसके बाद लॉर्ड महेश और लास्ट ऑप्शन है इंद्र देवता। जो ऋग वैदिक के समय के लोग थे वो ज़्यादातर पूजा करते थे इंद्र देवता की, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, इंद्र देवता की पूजा करते थे जो ऋग वैदिक के पीपल के पीपल थे ऋग वेद के समय के। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, इंदिरा। यानी कि इन्होंने पूछा है मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड, जो सबसे पूजा जाता था सभी गॉड से ज़्यादा, उसका आंसर है इंद्र देवता। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इंद्र देवता। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गग्गर रिवर इन द ऋग्वेदिक पीरियड, जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें जो गग्गर रिवर थी हमारी, उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था। आपके ऑप्शन है दृशावती, वितास्ता, गुमल और लास्ट ऑप्शन है क्रूमू। जो हमारी गग्गर रिवर है इसका जो ऋग्वेदिक समय पे नाम था वो था दृशावती। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दृशावती नाम था जो ऋग्वेदिक समय पे था गग्गर रिवर का। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, दृशावती।
एक हमारी रिवर थी गोमती रिवर, गोमती रिवर का नाम था गुमल, ये भी आपने याद रखना है। क्या आप मुझसे मुझे ये बता सकते हैं जो वितास्ता नाम था किस रिवर का नाम था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस रिवर का नाम था वितास्ता रिवर ऋग्वेदिक समय पे, इसका आंसर मैं आपसे जाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, कौन सा रूलर था जिसने फाउंड की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बिहार में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, सो बिल्कुल याद रखना है। इन्होंने पूछा है कौन सा रूलर है जिसने फाउंड की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में। आपके ऑप्शन है कुमारा गुप्ता वन, धर्मपाला, बख्तियार खिलजी और लास्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार में, इसको जो फाउंड किया था वो किया था धर्मपाला ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, धर्मपाला ने डिस्कवर की थी, सॉरी फाउंड की थी जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, धर्मपाला। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में और वो क्वेश्चन है ये, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने करवाया था, यानी कि ये तो इन्होंने तब फाउंड किया था यानी कि एस्टैब्लिश किया था धर्मपाला ने, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इसको बिहार में डिस्ट्रॉय किसने करवाया था, उसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी है इसने डिस्ट्रॉय करवाया था इस यूनिवर्सिटी को, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सो ये भी याद रखिए। अगर पूछा जाए फाउंडेशन किसने रखा था उसका आंसर है धर्मपाला, अगर पूछा जाए डिस्ट्रॉय किसने करवाई थी उसका आंसर है बख्तियार खिलजी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, जो टॉम्ब है शेर शाह सूरी की यानी कि जो मकबरा है शेर शाह सूरी का वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है शाशाराम, मथुरा, कन्नौज और निज़ामाबाद। जो शेर शाह सूरी है इसका जो मकबरा लोकेटेड है ये लोकेटेड है शाशाराम में, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, शाशाराम में लोकेटेड है जो शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगर पूछा जाए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है कौन सी स्टेट में है, ये तो सिटी हो गया, शाशाराम तो है सिटी, अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट में है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बिहार, बिहार में ये सिटी है जो शाशाराम सिटी है। ये क्वेश्चन भी दो से तीन बार रिपीट हो चुका है, सो बिल्कुल याद रखिए। अगर पूछा जाए स्टेट कौन सी है जिसमें जो टॉम्ब है शेर शाह सूरी का, उसका आंसर होगा बिहार, अगर पूछा जाए सिटी कौन सी है उसका आंसर है शाशाराम। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, काला गुलाब इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो काला गुलाब है ये किस फेमस पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी है। आपके ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद भगत सिंह, अमृता प्रीतम और लास्ट ऑप्शन है नानक सिंह। काला गुलाब जो है ये ऑटोबायोग्राफी है अमृता प्रीतम की, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, अमृता प्रीतम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है काला गुलाब। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप किसी ना किसी एग्जाम में देखोगे, सो बिल्कुल याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अमृता प्रीतम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है काला गुलाब, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, अमृता प्रीतम। 2019 में जो अमृता प्रीतम की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, यानी कि गूगल ने इन्हें सम्मानित किया है एज अ डूडल बनाकर, एक डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया गया है जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। क्या आप मुझे कमेंट में ये लिख के बता सकते हो ये इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। अमृता प्रीतम की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है गूगल ने डूडल बनाकर अमृता प्रीतम का, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करके बताइए। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है। ये एक इन्फ्लेशन की टर्म होती है, यानी कि ये एक टर्म यूज़ होती है इन्फ्लेशन में जो महंगाई होती है। इन्होंने पूछा है स्टैगफ्लेशन क्या है। आपके ऑप्शन है हाई इन्फ्लेशन लेवल, लो इन्फ्लेशन लेवल, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का जो अर्थ होता है वो होता है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक तो महंगाई दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी काफ़ी जनरेट हो जाता है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से पहले 4-5 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो बिल्कुल याद रखिए। स्टैगफ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट।
आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, इंडिया ने टेस्ट फायर किया था, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया था पोखरण राजस्थान में 1974 में, इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया था इस प्रोजेक्ट का वो कौन सा था? आपके ऑप्शन है स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन न्यूक्लियर। इंडिया ने जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ये पहले आपने यही याद रखना है, कहाँ पर किया था? ये किया था पोखरण राजस्थान में। कब किया था? 1974 में। 1974 में किया था, जो पोखरण राजस्थान में किया था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वेटेज दिया है इस क्वेश्चन को। इसे जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ऑफिशियल, इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्माइलिंग बुद्धा। अगर पूछा जाए जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था वो, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति था जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो ये भी याद रखिए आप। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता सकते हो कि ऑपरेशन शक्ति हमने किस ईयर में किया था, यानी कि कौन से साल में किया था? इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। स्माइलिंग बुद्धा था जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण राजस्थान में किया था 1974 में। सेकंड का जो ईयर है मैं आपसे जानना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, इंडिया साइंड पंचशील एग्रीमेंट विद चाइना इन विच ईयर। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, जिसका नाम है पंचशील एग्रीमेंट, किस ईयर में किया था? आपके ऑप्शन है 1948, 1954, 1957 और 1962। इंडिया ने जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, ये किया था 1954 में, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1954 में किया था हमने जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1954। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इन शॉर्ट बोलते हैं सेबी, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? आपके ऑप्शन है 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1993, 12 अप्रैल 1994, 12 अप्रैल 1995। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 12 अप्रैल 1992। अगर पूछा जाए सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, उसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में लोकेटेड है जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, ये भी आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए सेबी के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है अजय त्यागी। अजय त्यागी जो चेयरमैन है, जो प्रेजेंट टाइम में है सेबी के, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम के, उनका नाम है अजय त्यागी। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हो, दोनों क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947। किसने प्रेजेंट किया था जो फर्स्ट बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का 26 नवंबर 1947 को? आपके ऑप्शन है जेम्स विल्सन, अलीजा एमपे, आर के षणमुखम शेट्टी और लास्ट ऑप्शन है मोरारजी देसाई। जो फर्स्ट बजट पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का 26 नवंबर 1947 को, वो किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, आर के षणमुखम शेट्टी ने जो प्रेजेंट किया था जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट था। ये डेट आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत डेटा। 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट बजट पेश किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने। अगर पूछा जाए, यहाँ तो बात हुई है फ्री इंडिया की, कई बार क्या करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया ना देकर फ्री इंडिया दे देते हैं। फ्री इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फ्री इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया बात एक ही है। फ्री इंडिया पूछा जाए चाहे इंडिपेंडेंट इंडिया, दोनों की बात सेम ही है। 26 नवंबर 1947 को जो प्रेजेंट किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। अगर पूछा जाए फर्स्ट ओवरऑल जो इंडिया का बजट था वो किसने प्रेजेंट किया था, यानी कि जब इंडिया गुलाम था उस टाइम इंडिया का बजट किसने पेश किया था, उसका आंसर होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने पेश किया था जो फर्स्ट बजट था, जो जिस टाइम अंग्रेजों के अधीन आता था भारत, हमारा भारत, उस टाइम जो प्रेजेंट किया था वो किया था जेम्स विल्सन ने। ये क्वेश्चन भी 5-6 बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी 5-6 बार एग्जाम में आ चुका है, सो आपको दोनों क्वेश्चन भूलने नहीं हैं, दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल याद रखिए। फ्री इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट पेश किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने, और जो गुलाम इंडिया था यानी कि जो अंग्रेजों के अधीन आता था जब इंडिया, उस टाइम किया था जेम्स विल्सन ने। दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड 17th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है
पार्ट 17 17th पार्ट में जो लैंग्वेज आती हैं हमारी, ये आपको पता होगा। इन्होंने पूछा है कौन सी लैंग्वेज इसमें इंक्लूड नहीं है। आपके ऑप्शन है सिंधी, इंग्लिश, मणिपुरी और डोगरी। दिए गए चार ऑप्शन में से जो इसमें इंक्लूड नहीं है लैंग्वेज वो है इंग्लिश। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंग्लिश लैंग्वेज इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है पार्ट 17, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, जो पार्ट 17 है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है लैंग्वेज से। यानी कि जो भी भारत में लैंग्वेज बोली जाती हैं या जो समझी जाती हैं सारी स्टेट्स में, सभी को मिलाकर ये लैंग्वेज इसमें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिन्हें मान्यता मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिखी गई हैं 17th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें जो इंक्लूड नहीं है वो है इंग्लिश। बाकी जो सिंधी है, मणिपुरी है, ये भी है और डोगरी भी है। एक पूछते हैं नेपाली, नेपाली है या नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नेपाली बिल्कुल है, नेपाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये लैंग्वेज नेपाली जो है ये भी हमारे 17th पार्ट का पार्ट है, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं नेपाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसका आंसर होगा येस, ऑफकोर्स इंडिया का पार्ट है नेपाली लैंग्वेज जो है। उसके बाद अगर पूछा जाए हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है टोटल, टोटल पूछा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल लैंग्वेज है 22। ये आपको याद नहीं रखनी है, मेन मेन याद रखनी है आपको, जैसे आपको दे देंगे इंग्लिश दे देंगे और कोई ब्रिटिश लैंग्वेज दे देंगे वो आपने बाहर कर देनी है। बाकी जो सिंधी है, मणिपुरी है, हिंदी है, पंजाबी है, नेपाली है, डोगरी है, ये सारी लैंग्वेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये टोटल मिलाकर होती हैं 22 लैंग्वेज हैं। अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट है जो लैंग्वेज से बिलोंग करता है, उसका आंसर होगा पार्ट 17 जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद अगर पूछा जाए आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इन लैंग्वेज से, उसका आंसर होगा आर्टिकल 343 टू 351, यानी कि 343 से लेकर 351 तक जो आर्टिकल बिलोंग करते हैं वो करते हैं पार्ट 17 से, जो हमारा एसोसिएट है लैंग्वेज के साथ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सारे के सारे याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट बोथ हाउसेज इन द पार्लियामेंट, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास दो हाउस नहीं है, यानी कि बाइकैमरलिज्म नहीं है। एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। मेरा क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि किस स्टेट में दोनों नहीं है, बाकी तीनों स्टेटों में दोनों के दोनों हाउस हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद तीनों स्टेट में है। एक स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें, ऐसी है जिसमें नहीं है जो विधानसभा और विधान परिषद हैं। आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, बिहार और कर्नाटका। दी गई चार स्टेट स्टेट में से जो हमारे पास स्टेट नहीं है बाइकैमरलिज्म की, वो है गुजरात। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, गुजरात के पास बाइकैमरलिज्म नहीं है, यानी कि इसके पास एक ही हाउस है जो है विधानसभा, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। बाकी तीनों स्टेट के पास है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, बिहार में भी है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, गुजरात। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट में जो है विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद दोनों हैं, टोटल हैं 7 स्टेट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसी कितनी स्टेट हैं इंडिया की जिनके पास विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद दोनों हैं, या फिर पूछते हैं बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, वो हैं 7 स्टेट। कौन कौन सी, तेलंगाना, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। ये 7 स्टेट हैं जिनके पास विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद दोनों हैं, यानी कि दोनों हाउस हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो है लेजिस्लेचर, बाइकैमरलिज्म। इन्हों 7 स्टेटों के नाम आपने बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, सो याद रखिए। मैं जल्दी से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब डिस्कवर्ड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज़ करते हैं www. जैसे हम कोई भी जो हमारा URL होता है उसको एंटर करने से पहले हम लगाते हैं www, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डिस्कवर किया था। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट कैल्यू, टिम बर्नर्स-ली, जेम्स वोल्टा और लास्ट ऑप्शन है मार्टिन कूपर। इसको डिस्कवर किया था टिम बर्नर्स-ली ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली ने डिस्कवर किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट का सही आंसर आएगा होगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर्स-ली ने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन,
इंडिया बोरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम विच कंट्री, इंडिया ने जो DPSP हैं कहाँ से बोरो किए हैं, आपके ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, रशिया और जापान। इंडिया ने जो DPSP को बोरो किया है वो किया है आयरलैंड से, यानी कि ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कई बार आयरलैंड देकर हमें दे देते हैं ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बोलते हैं ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन आयरलैंड। DPSP हमने बोरो किए हैं आयरलैंड से, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन आयरलैंड। अगर पूछा जाए इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा बिलोंग करता है इन DPSP से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, आर्टिकल 36 से लेकर जो 51 तक आर्टिकल हैं हमारे वो बिलोंग करते हैं जो हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट बिलोंग करता है, उसका आंसर होगा पार्ट फोर्थ रिलेटेड है DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए, और ये भी याद रखिए आयरलैंड से हमने बोरो किया है DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वन फर्स्ट भारत रत्न इन 1954। सबसे पहले आपने याद रखना है जो फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे 1954 में, 1954 में दिए गए थे जो फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ये 3 पर्सन को मिला था। इन्होंने पूछा है दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से पर्सन को नहीं मिला था ये अवार्ड, आपके ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CV रमन और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था जो फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड मिला था, ये 3 को मिला था, सी राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन, इन 3 को मिला था जो फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सो बिल्कुल याद रखिए जो फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड दिया गया था राजा गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन, इन 3 को मिला था, जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको नहीं मिला था फर्स्ट टाइम। अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, यानी कि मिला तो इनको भी था बट 1954 में नहीं मिला था, 1955 में मिला था इनको, 1955 में मिला था जो जवाहरलाल नेहरू को मिला था भारत रत्न अवार्ड, यानी कि सेकेंड टाइम मिला था, फर्स्ट टाइम इन 3 को मिला था, उसके बाद 1955 में दिए गए 1955 में अगले ही साल मिला था जवाहरलाल नेहरू को। 2 पर्सन और को मिले थे, क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो वो 2 पर्सन कौन से थे जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के साथ ये अवार्ड मिला था भारत रत्न सेकेंड टाइम 1955 में, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच ईयर इन इंग्लैंड। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था तब जो गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ वो कहाँ पर हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे। इन्होंने पूछा है इंडिया ने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, आपके ऑप्शन है 1934, 1938, 1942 उसके बाद 1946। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1934 में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1934 में हमने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम पर, जब हम जो ये गेम थे इंग्लैंड में हुए थे उस टाइम हमने पार्टिसिपेट किया था 1934 में। अगर पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट टाइम किस ईयर में खेले गए थे, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 1930। 1930 में फर्स्ट टाइम ये गेम्स खेले गए थे 1930 में, ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर पूछा जाए कहाँ पर हुए थे, यानी कि कौन सी सिटी में हुए थे या फिर कौन सी कंट्री में हुए थे, उसका आंसर होगा हैमिल्टन, हैमिल्टन सिटी है, ये पड़ती है ओंटारियो में और ओंटारियो लोकेटेड है कनाडा में, यानी कि सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे कनाडा में, कनाडा में हुए थे 1930 में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो बिल्कुल याद रखिए कनाडा के ओंटारियो में हुए थे जो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सो बिल्कुल याद रखिए। अगर पूछा जाए 2018 में कहाँ हुए हैं, यानी कि ये तो बात हो गई प्रीवियस की, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की, अगर पूछा जाए 2018 में जो गेम्स हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2018 में गोल्ड कोस्ट, 2018 में जो ये गेम्स हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स वो हुए हैं गोल्ड कोस्ट में, और गोल्ड कोस्ट लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में हुए थे, ये सिटी का नाम है गोल्ड कोस्ट और कंट्री का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन द समर ओलंपिक्स गेम्स इन 2016, कहाँ पर हुए थे, रियो दी जनेरियो में, ब्राज़ील में, ब्राज़ील का एक सिटी है रियो दी जनेरियो, वहाँ पर जो गेम हुए थे 2016 में समर ओलंपिक्स, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। इस गेम में इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे 2 मेडल, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन
दो मेडल जीते थे जब 2016 में हुए थे रियो दी जनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर हुए थे समर ओलंपिक्स, उसमें इंडिया ने टोटल मेडल जीते थे दो। किस किसने जीते थे? एक तो सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु ने जीता था, एक जो सिल्वर मेडल था, एक ब्रॉन्ज मेडल था जो जीता था साक्षी मलिक ने, साक्षी मलिक ने जीता था, जो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और एक सिल्वर जो मेडल जीता था वो जीता था पीवी सिंधु ने। इन दोनों ने दो मेडल जीते थे, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, टू मेडल्स जीते थे इंडिया ने 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे समर ओलंपिक्स रियो दी जनेरियो ब्राज़ील में। ऊपर मैंने आपको बताया जो 2020 में होंगे कहाँ पर होंगे, टोक्यो में, टोक्यो है जापान में, जापान में होंगे जो 2020 में होंगे, नेक्स्ट एडिशन होगा जो इनका, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सो याद रखिए। अगर पूछा जाए जो 2016 में रियो दी जनेरियो में ये खेल हुए थे समर ओलंपिक्स, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे, उसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते थे, टोटल 121 मेडल जीते थे इन्होंने। यानी कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो यूएसए है सॉरी जो फर्स्ट रैंक आया था इस गेम्स में वो किसका आया था, उसका आंसर है यूएसए, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे यूएसए ने। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सो याद रखिए, इन्होंने जीते थे 121 मेडल, हमने जीते थे दो मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में मैंने आपको बता ही दिया कहाँ होंगे, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, हु वन टूर दे फ्रांस बाईसाइकिल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018, जो 2018 की बाईसाइकिल की चैंपियनशिप हुई है जिसका नाम है टूर दे फ्रांस, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जो साइकिल की रेस का होता है। आपके ऑप्शन है ग्रैंड थॉमस, उसके बाद सेबेस्टियन बेटल, लेविस हैमिल्टन, वल्तारी बोतस, इनमें से किसने जीता है जो टूर दे फ्रांस है 2018 में हुआ था ये चैंपियनशिप, इसको जीता है ग्रैंड थॉमस ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन ग्रैंड थॉमस। बाकी आप सारे ऑप्शन देखोगे, सारे ऑप्शन गाड़ियों के ड्राइवर हैं, कोई भी बाइसाइकिल का ड्राइवर नहीं है। ये तीनों के तीनों कौन से ड्राइवर हैं, सारे के सारे ये जो ड्राइवर हैं ये कार्स के ड्राइवर हैं, यानी कि ये गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं जो फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। ये आपको पता होगा फॉर्मूला 1 में जो सबसे मेडल जीता है वो जीतता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेस जीतता है वो जीतता है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन आई थिंक लास्ट ईयर 24 टूर्नामेंट हुए थे जिसमें 15 के आसपास लेविस हैमिल्टन ने जीते थे लास्ट ईयर 2018 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है जो फॉर्मूला 1 ग्रैंड चैंपियनशिप होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा विजेता कौन रहता है, वो रहता है लेविस हैमिल्टन, लेविस हैमिल्टन रहते हैं सबसे ज़्यादा विजेता, और जो टूर दे फ्रांस जीता है वो जीता है ग्रैंड थॉमस ने। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं दिए गए चार ऑप्शन में से जो बाईसाइकिल की रेस लगाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन ग्रैंड थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2019, 2019 में किसे ये अवार्ड मिला है जो जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दिए गए चार ऑप्शन में से। आपके ऑप्शन है बजरंग पुनिया, दीपा मलिक, मीराबाई चानू और बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मेनली उनके लिए होता है जो लाइव के बाद देखते हैं या फिर लाइव देखने के बाद अटेम्प्ट करना होता है। आई होप चार पांच क्वेश्चन पूछे हैं मैंने इस वीडियो में, सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, चार से पांच क्वेश्चन हो गए, ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं आपके, आपसे जो क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू में से, सारे के सारे क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा करने से आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा तो आप खुद सर्च करोगे गूगल पर, ऐसा करने से आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। एक दो और चीज़ हैं जो आप रीड कर पाओगे गूगल पर, उससे आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आई होप आप सभी के सभी सारे के सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करोगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, मैं 100% आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम एज वेल एज़ फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर अभी तक चैनल आपने हमारा वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाद में आपको दबाना है बेल आइकन ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड हो नाल की नाल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी के तभी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।